वेलकम बैक स्टूडेंट इन द ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। एम असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल, वेलकम यू ऑल। तो आज हम एक नया और एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ जुड़े हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें दोनों भी वैल्यू गिवन रहेंगे, एक ही हाउस की अनरियलाइज्ड रेंट की भी और वैकेंसी अलाउंसेस की भी वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन रहेंगे। तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। ये एग्जांपल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेंगी उसमें मिल जाएगा। एग्जांपल को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद फिर मेरे साथ एग्जांपल को यहाँ पर क्लियर कीजिए। तो चलो एग्जांपल पे देखते हैं। इंदिरा ओन हाउस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पज ऑफ मंथली रेंट रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड। ठीक है, तो इंदिरा ने क्या किया, अपना हाउस बिजनेस पे दे, रेसिडेंशियल पे दे, किसी भी चीज पे अगर रेंट पर देता है तो इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी के केस में कैलकुलेट होगी। एनुअल रेंट रिसीव्ड आफ्टर इन ब्रैकेट आफ्टर डिडक्शन अनरियलाइज्ड रेंट ₹4,000 इन ब्रैकेट कंप्लीट ₹1,16,000 अदर डिटेल्स आर। तो हमें अदर डिटेल्स गिवन है, पहला है म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, इसका कंपैरिजन करते हैं हम और क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले हम इसका कौन सी वैल्यू पहले लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू कितनी गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू तो म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास है 1,36,000। कितनी वैल्यू गिवन है, 1,36,000। दूसरा फेयर रेंट, फेयर रेंट का कंपैरिजन करते हैं। फेयर रेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1,30,000। कितनी गिवन है, 1,30,000। इन दोनों का कंपैरिजन करके हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, विच एवरेज मोर। यहाँ पे लिखेंगे विच एवर इज मोर, कितनी है 1,36,000। कितने 1,36,000। सेकंड, इसके बाद किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट तो हमें गिवन है स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू सॉरी फेयर रेंट की 1,65,000 और ये है 1,30,000। कितनी है 1,30,000। इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे उस वैल्यू को हम नाम देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। उस वैल्यू को नाम क्या नाम देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। तो वो कैसे निकलेगी, विच एवरेज लेस। तो कितना है विच एवरेज लेस, 1,30,000। देन उसके बाद एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमारे पास है कितना, 12,000 मिल जाएगा हमें पर मंथ। तो 12,000 इंटू 12 तो टोटल अमाउंट आ जाएंगी 1,44,000। तो इसमें से पहले हम क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देंगे। अनरियलाइज रेंट कितना है 4,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी कितनी है 1,40,000। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज मोर। कौन सी वैल्यू है विच एवर इज मोर, इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद 1,40,000। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले एक्चुअल रेंट रिसीव ले लिया, टोटल इतना है, ये 12 मंथ का है, उसमें से अनरियलाइज रेंट को क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। तो टोटल कितनी वैल्यू हमारे लिए निकल के आ जाएंगे एक्चुअल रेंट रिसीव के सामने। बट ये होगा एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट हो गया रिसीव्ड नहीं हुआ, एक्चुअल एनुअल रेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड हो गया हमें, तो यहाँ पर बताया कि वैकेंट पीरियड है कितने मंथ का, 2 मंथ का, और लॉस हो गया मतलब उसके इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्या रेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, वैकेंसी अलाउंसेस को माइनस कर देंगे। कितने मंथ की है, 2 मंथ की, तो 12,000 × 2 कर सकते हैं, या एग्जांपल में आपको डायरेक्टली गिवन है कितना है 24,000। तो इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे वो आपके लिए रहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
जिसको आप जी ए बी कहेंगे, जी ए बी कहेंगे, तो कितना आ जाएगा जी ए बी, जी ए बी हमारे पास आ जाएगा 1,16,000। टोटल जी ए बी कितना निकल के आ जाएगा 1,16,000। चलो क्लियर हो गया अभी, अभी आपको सभी क्लियर हो चुका होगा इस एग्जाम, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है उस प्रॉपर्टी का। सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों का कंपैरिजन किया और एक्सपेक्टेड रेंट निकाला विच एवर इज मोर, ठीक है, ये हो गया विच एवर इज लेस का, ठीक है। उसके बाद हमें एक्चुअल एनुअल रेंट निकालना पड़ता, एक्चुअल एनुअल रेंट कितना है 12,000 पर मंथ है इंटू 12, तो हमारी टोटल इतनी वैल्यू है, इतने वैल्यू में से हमें पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करना है, अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसके साथ कंपेरिजन करना है एक्सपेक्टेड रेंट का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट और इसका कंपेरिजन करने के बाद जो वैल्यू बचेंगे उसको नाम देना है विच एवर इज मोर वैल्यू। अगर वैकेंसी अलाउंसेस नहीं रहते तो आप इसको ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे, अगर एक्चुअल वैकेंसी अलाउंसेस गिवन रहते तो पहले उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमें बचेगी उस अमाउंट को हम नाम देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स को लेस करते, म्युनिसिपल टैक्स लेस किसने पेड किया होना चाहिए, पेड बाय ओनर, ओनर ने पेड किया तो ही आप लेस करेंगे, टेनर ने पेड किया हुआ लेस नहीं करेंगे। तो चलो म्युनिसिपल टैक्स को देखते हैं, फेयर एंड रिपेयर्स तो नहीं आएगा, इंश्योरेंस नहीं आएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस आएंगे कितने 14,000, तो उसको क्या करेंगे हम लेस कर देंगे 14,000। लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी कितनी 1,02,000, उसको नाम देंगे हम नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एनएवी। उसके बाद इन दोनों में से इस वैल्यू में से क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन देना पड़ेगा, तो यहां से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड बी का, दो तरीके का डिडक्शन देते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रहता है, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे एनएवी उसके कितने 30%, तो एनएवी की वैल्यू कितनी है, एनएवी की वैल्यू हमारे पास है 1,02,000 इंटू कितने 30%, तो कितना बन जाएगा 30,600, कितना निकल गया जाएगा 30,600। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और प्री कंस्ट्रक्शन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन और उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, पीरियड इंटरेस्ट। चलो उसके बाद हम एग्जांपल को आगे बढ़ते हैं, तो सी लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्पज एंड इंटरेस्ट पेड रुपीज 20,000, तो उसने जो लोन लिया वो किस पर्पज के लिए लिया, बिजनेस पर्पज के लिए लिया, तो बिजनेस पर्पज के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज के लिए ही लोन लेना चाहिए तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें नो डिडक्शन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद टोटल वैल्यू बचेंगी 71,400, इसको नाम देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे लिए टोटल निकल के आ जाएंगे कितनी 71,400। तो देखो यहाँ पे सभी चीजें हमारी क्लियर कर दी हमने, ठीक है, वैकेंसी पीरियड भी आ गया, अनरियलाइज रेंट भी आ गया, वो सभी चीजें यहाँ पर आ गया। अभी आपको क्या करना है, लोन का भी हमने देख लिया कि परचेस के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए रहे तो ही हम उसका डिडक्शन यहाँ पर देंगे हाउस प्रॉपर्टी के केस में, अदरवाइज इसका डिडक्शन इस हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमको नहीं मिलेगा, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बाकी सभी चीजें हम जैसी है वैसी, पहले तो इन चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटेड वैल्यू और उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट के साथ एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, उसके बाद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल एनुअल रेंट के बाद अगर अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी पीरियड है तो यहाँ पर आपको एक्चुअल एनुअल रेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे वैकेंसी पीरियड और ये रहता है तो यहाँ पे आप एक्चुअल एनुअल रेंट निकाल लो, इतना मिल जाएगा, उसमें से अनरियलाइज रेंट को पहले माइनस करो फिर उसके साथ कंपेरिजन करो, फिर मिलेंगे आपको विच एवर इज मोर वैल्यू। अगर वैकेंसी अलाउंसेस नहीं है तो ये बन जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगर वैकेंसी अलाउंसेस है तो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे वो रहेगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो उसके साथ वैसे आपको सॉल्व करना है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आगे का हम अगले लेक्चर में देखते हैं।
ठीक है, थोड़ा आपको कैमरे से दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आप जो मैंने अमाउंट बताई है वो थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ठीक है, वैसे कैलकुलेशन के साथ। अगर नहीं दिखता है तो आपके नोटबुक में कैलकुलेशन कीजिए और उसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आगे का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उसमें हम आगे वीडियो देखेंगे।